kids, welcome to your English class, and I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new series of book that is Literary Journeys, an English Reader for Class 8 by Brainroot Publications. And today we shall start with this new series of books, and we shall take one by one chapters from this book on everyday basis. Alright, so let's get started. Today we shall cover first chapter, which is a beautiful poem, and the title of the poem is Don't Quit. बच्चों, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज़ बहुत ही मन से करने की कोशिश कर रहे हो पर बार बार उसमें मुश्किलें आ रही हैं और आपको ऐसा लगने लग रहा है कि नहीं, ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, इसे छोड़ देना चाहिए. ऐसा कई बार होता है, पर हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी है. हम जितनी बार किसी चीज़ में नाकामयाब होते हैं, उतनी बार हम कुछ नया सीखते हैं. एवरी टाइम वी फेल वी लर्न समथिंग न्यू. और हमें कभी भी निराश होकर किसी भी काम को करते हुए बीच में ही छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा उसे पूरा करना चाहिए. दैट मीन्स वी शुड नेवर क्विट. इफ़ वी स्टार्ट समथिंग वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फिनिश इट. सो टुडे थ्रू हिज पोएम द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू कन्वे द सेम मैसेज टू अस. वो भी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबरा कर पीछे नहीं हटना है, बल्कि कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है ताकि हम आगे बढ़ सकें. सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, लेट्स डू द वार्मिंग अप एक्सरसाइज. चिल्ड्रन, इन दिस पोएम इट इज़ टोल्ड दैट यू शुड नेवर गिव अप ऑन डिफीट. Whenever you feel that you have lost, you get up and create a new energy for success with new passion. So as I told you, ki the message conveyed by this poem is that we should never give up. Hame kabhi bhi haar nahi manni chahiye, chahe kaisi bhi paristhiti ho. Hame hamesha koshish karni chahiye ki koi na koi tarika hum dhoond ke nikale taki hum aage badh sake. Theek hai? What would you do in these situations? Stick your option for each situation. Also give a reason for your choice in each case. अब कुछ different situations दिए हैं और हमें कुछ options दिए हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं. हमें दोनों options में से सही option को choose करना है. So let's start. If you come to visit your dearest friend who stays on the fifth floor of a multi-story building, but you find that the lift is out of order. आप अपने दोस्त से मिलने गए हैं जो कि एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में फिफ्थ यानी पांचवी मंजिल पर रहता है, लेकिन जब आप उसके बिल्डिंग पर पहुंचते हैं आपको पता चलता है कि ओहो, बिल्डिंग की लिफ्ट ही काम नहीं कर रही है. अब आपको फिफ्थ फ्लोर तक की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी. ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यू डिसाइड टू गो बैक होम एंड कम बैक लेटर. यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक द स्टेयर्स. दो सिचुएशंस हैं, या तो आप सोचेंगे कि छोड़ो इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा, मैं आज घर वापस जाता हूँ, किसी और दिन मिल लूँगा. और एक और तरीका है कि आपने मन बना लिया कि कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने आया था, थोड़ा सा हिम्मत करके पांचवी मंजिल तक सीढ़ियाँ ले ही लेता हूँ. ऑलराइट, आई थिंक इट इज़ बेटर टू टेक द सेकेंड ऑप्शन. ऑलराइट, हमें नहीं पता कि कल क्या सिचुएशन होगा. जब हम आज मन बनाकर आए हैं कि अपने दोस्त से मिलेंगे, तो क्यों ना हम उससे मिल के जाए. सो टेकिंग स्टेयर्स इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ना इवन इज़ हेल्दी ऑप्शन. राइट, वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. इट्स इन सेल्फ अ एक्सरसाइज. अब एक दूसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं. योर पेरेंट्स आस्क यू टू गेट रेडी टू गो फॉर अ मूवी दैट यू हैड सेट योर हार्ट ऑन वॉचिंग इन अ सिनेमा हॉल. Suddenly there is a heavy downpour. Your father thinks that it is not advisable to drive in such torrential rain. अब बहुत दिनों से आप अपनी फेवरेट मूवी देखने जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि पापा के साथ, मम्मी के साथ, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखूंगा, और सब तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन आप निकलने ही वाले हैं जस्ट उससे कुछ देर पहले हैवी डाउनफॉल यानी हैवी रेनफॉल होनी शुरू हो गई. ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, यू इंसिस्ट दैट यू वुड बी एबल टू रीच द सिनेमा हॉल सेफली. सेकेंड, यू फील अपसेट अबाउट मिसिंग आउट द मूव
मूवी बट अंडरस्टैंड दैट इट कुड बी रिस्की टू ड्राइव इन द हेवी रेन. पहला ऑप्शन कि नहीं, आप ज़िद करें कि नहीं पापा कुछ भी हो हम आराम से पहुंच जाएंगे, आप चलो किसी भी तरह आप ड्राइव करके चलो, मुझे तो आज मूवी देखनी ही है. एक तो ये ऑप्शन है. और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको दुख तो ज़रूर होगा कि आपका प्लान था इन्जॉय करने का लेकिन किसी वजह से वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप सोच समझ के एनालाइज करके देखेंगे कि इतनी हैवी बारिश में ड्राइव करना रिस्की हो सकता है, खतरा है, इसीलिए कोई बात नहीं हम घर पे ही बैठ के इन्जॉय करते हैं. क्या चूज़ करेंगे आप? आई थिंक द सेकेंड ऑप्शन इज़ मोर अप्रोप्रिएट, राइट, कि मूवी देखना या कुछ भी करना. द मेन एम इज़ कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उसका भी एक पॉजिटिव आउटलुक है, राइट. तो हम वो टाइम बैठ के घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन, योर टीचर अनाउंसेस दैट एन एलोकेशन कॉम्पिटिशन इज़ टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग बट हैव टेरिबल स्टेज फ्राइट. आपके स्कूल में एक एलोकेशन कॉम्पिटिशन है जो टीचर ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट मंथ वो कॉम्पिटिशन होना है. आप मन से तो बहुत चाह रहे हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें लेकिन आपको स्टेज फियर बहुत ज़्यादा है, यानी स्टेज पे जाते ही आप नर्वसनेस के चक्कर में सब भूल जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यू अल्टीमेटली डिसाइड नॉट टू एंटर योर नेम फॉर द कॉम्पिटिशन, यू मेक अप योर माइंड टू प्रैक्टिस हार्ड एंड गिव योर बेस्ट शॉट. अब दो परिस्थिति है, दो ऑप्शन है आपके पास. या तो आप मन बना लीजिए कि नहीं बाबा डर बहुत लगता है, लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा. दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, मेरे पास समय है अभी भी एक महीने का, मैं जी जान से मेहनत करूँगा, अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा, अपने टीचर्स की गाइडेंस लूँगा एंड फाइनली मैं अपने फियर का सामना करूँगा और एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे के देखता हूँ. तो दोनों ऑप्शंस में से आई सपोज द सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज यू विल लर्न द इम्पॉर्टेंस of speaking confidently and moreover when you try consistently then only you become an expert, है ना. बिना प्रैक्टिस के कभी भी आप एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते, डर हमेशा बैठ ही जाएगा आपके मन में अगर आप पहला कदम नहीं उठाएंगे. सो वी आर डन विद द वार्मिंग अप एक्सरसाइज, नाउ लेट्स रीड द ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय द पोएट. लेट्स बिगिन. Read this poem that gives us an important piece of advice we should remember through our lives. Find out what it is. So, यहाँ पे कविता के माध्यम से कवि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं. आइए पढ़ते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं. When things go wrong as they sometimes will, when the road you are treading seems all uphill. So, the poet says कि जब परिस्थितियाँ विपरीत जाने लगती हैं, मतलब जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही प्लान्ड नहीं हो रहा है. और ऐसा कई बार होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, कई बार चीज़ें उसकी विपरीत हो जाती हैं, उसके उल्टी ही होती है. हम कुछ अच्छा सोचते हैं पर शायद किसी वजह से कुछ गलत हो रहा है, राइट. इंटेंशनली शायद नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है. और जब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ज़्यादा कठिन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ चढ़ रहे हैं, है ना, या बहुत एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, हम चलते चलते थक रहे हैं. When the funds are low and debts are high and you want to smile but you have to sigh. अगर आपके funds यानी आपके पास पैसा कम होता जा रहा है और आपके debts बढ़ते जा रहे हैं यानी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आप हंसना चाहते हैं लेकिन आप हंस नहीं पा रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, सिर्फ आप थक पा रहे हैं या फिर यू कैन ओनली डू अ साइन, ठीक है. व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट. और जब आप बिल्कुल थक चुके हैं, आप में वो एनर्जी नहीं रही है कि आप आगे बढ़ने का प्रयास करें या कोशिश करें, तब रेस्ट कीजिए, रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन कभी भी क्विट मत कीजिए, कभी भी हार मत मानिए. Life is square with its twists and turns, as every one of us sometimes learns. But many a failure comes about when they might have won had he stuck it out. So, what happens? Life is a matter of ups and downs. Life mein kabhi khushi hai, kabhi dukh hai, kabhi dhoop hai, kabhi chhaon hai. It's a mixed bag, right?
लाइफ में कभी भी कोई चीज़ या कोई परिस्थिति हमेशा टिकी नहीं रहती, इसीलिए किसी भी परिस्थिति को हमें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए, हमें परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम अपने आप को ढाल लेना चाहिए ताकि ईजीली हम उस परिस्थिति से निकल आए, ना कि परिस्थिति को हमारे ऊपर कंट्रोल करने देना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग लास्ट मोमेंट पे आकर हार मान जाते हैं और हारने के बाद ये सोचते हैं कि काश मैंने वो लास्ट स्टेप ले लिया होता, काश मैंने थोड़ी सी और कोशिश कर ली होती तो आज मैं जीत गया होता। When the night had won, he had stuck it out. Don't give up, though the pay seems low, you may succeed with another blow. So, the poet says कि चाहे कितनी भी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही हो, चाहे एवरी डे यू आर ओनली टेकिंग वन स्टेप, है ना, आपको लग रहा होगा कि प्रोग्रेस हो ही कहाँ रही है, लेकिन वो एक एक स्टेप काउंट करता है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके ही क्यों ना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ तो रहे हैं, आप रुके तो नहीं है ना, चल तो रहे हैं, तो वो चलना भी मैटर करता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस क्षण कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, एंड यू कैन नेवर टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। सो सक्सेस इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में सक्सेस और फेलियर जो है पॉसिबल है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन की ज़रूरत है और आप अपने फेलियर को सक्सेस में इजीली बदल सकते हैं। ऑलराइट, और कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी जीत से या अपनी कामयाबी से कितने दूर हैं, जस्ट मैटर ऑफ सेकेंड्स हमें लगता है कि शायद रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा सा चलते ही हमें लगता है कि अरे बस इतना सा काम था, हम तो जीत गए। सो स्टिक टू फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स दैट यू मस्ट नॉट क्विट। तो पोएट कहता है कि हमेशा अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखिए, अपना मनोबल कम नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंट रहना है और निरंतर प्रयास करते जाना है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क सो दैट यू कैन प्रोग्रेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ही सेज कि सबसे ज़्यादा जब चीज़ें हमें परेशान करती हैं, जब द थिंग्स आर वर्स्ट, जब सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं, वही एक ऐसा टाइम है जब हमें बिल्कुल भी क्विट नहीं करना चाहिए। तभी हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना है और अपने मन को समझाना है कि नहीं, थोड़ा और, जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड definitely we will win. Clear? So whatever may be the situation, we should never quit. We should try to find out solution to our problems and keep on moving. Even अगर हम slowly slowly भी आगे बढ़ रहे हैं तो भी हमें धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। It's a beautiful poem with a beautiful message, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं हार मान के बीच रास्ते में ही मंजिल छोड़ देते हैं, लेकिन लोग अपने डेस्टिनेशन तक वही पहुंचते हैं जो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द वर्ड मीनिंग्स। ट्रडिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हार्ड कंडीशंस, यानी कि जब आपकी परिस्थितियां विपरीत है तो धीरे 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 चलना। डेब्ट्स मीन्स अमाउंट ऑफ मनी दैट वन ओज, यानी कि जब आपने किसी से उधार लिया है तो जो पैसा आपको देना है, यानी आपका कर्जा। Pressing means urgent, something which is very very urgent. Sigh means deep breath, है ना, गहरी सांसें भरना। Twist means changes, एक के बाद एक जब changes होने लगते हैं। Queer means strange, मैंने बताया था आपको कि life बहुत strange है, इसमें सुख दुख, धूप छाँव, it's a mixed bag of things, कोई भी चीज़ हमेशा permanent नहीं रहती इसमें। Succeed means when you are successful and you achieve something. Inside means something which is within us, हमारे अंदर की चीज़ें। Care, worry, जब आप चिंतित हैं किसी चीज़ के लिए। Tint a shade of small amount of color, यानी थोड़ा सा color का amount। Clear? I hope you have understood the word meanings. Now let's proceed towards the exercises. First of all, we have the multiple choice questions. So let's get started.
What is the rhyming scheme of the poem? Rhyming scheme का मतलब जब हम poem का छंद पता करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम छंद को देखें, तो the rhyming scheme is C, that is A-B-A-B. यानी सारी first lines जो हैं same उच्चारण कर रही हैं और जो second line है उसके words जो है same match कर रहे हैं. So that is why A-B-A-B. Okay? Second, who has written the poem? John Messefield, Edgar A. Guest, William Wordsworth or Robert Frost? So again, the option is C. Edgar A. Guest has written the poem. Third, what is the tone of this poem? Sad, upset, humorous and encouraging? Encouraging. हमें poet encourage कर रहा है, हमारा मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हमें उत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? Fourth, how does the road seem when things go wrong? Road कैसा लगता है, सड़क, रास्ता कैसा लगता है जब सारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं? Fill deserted fine uphill. The road seems uphill. जैसे बहुत एक बड़ा और दुर्गम पहाड़ हम चढ़ रहे हैं और हमें चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. Have you understood? All right. Now let's proceed further. Read these lines from the poem and answer the questions that follow. हमें कुछ lines दी गई हुई हैं, कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं. We have to read them, understand them and then answer the questions that are given below them. So let's do them one by one. First one, and many a failure comes about, one he might have won had he stuck it out. So इसका मतलब है, first explain these lines in your own words. So कई बार ऐसा होता है कि जब हम इन लोग निराश होके थक के प्रयास करना छोड़ देते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि थोड़ा और प्रयास कर लिया होता तो आज हम जीत जाते, जस्ट थोड़ा सा और प्रयास किया होता तो शायद आज हम अचीव कर लेते. ऑल राइट, सो दीज लाइन्स इंडिकेट दैट फेलियर्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट वी शुड नॉट फियर फेलियर, वी शुड ट्राई टू ओवरकम द फेलियर्स, बिकॉज एट टाइम्स व्हेन वी गिव अप देन फाइनली वी रियलाइज दैट इफ वी हैड ट्राइड with a little extra effort, we might have won the situation and we might be able to overcome the failure. Okay? B, what quality does the speaker advocate in these lines? The speaker advocates the spirit of never giving up. He tries to motivate the readers to imbibe in themselves the spirit of confidence and hard work. Clear? C, give reasons if you agree or do not agree with the speaker. Definitely, we agree with the speaker, whatever the speaker is saying, it is absolutely true because the speaker is trying to convey the message that we should not fear from failure. Instead, we should try to overcome our fears. And if we are able to overcome our fears, then only we would succeed in our life. Now let's read the second lines. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. है ना, success और failure में क्या है, एक doubt का ही तो अंतर है, है ना? हम doubtful रहते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो sides हैं, success and failure. जो लोग confident होते हैं, जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है, वही जीत हासिल कर लेते हैं, और जो लोग हमेशा डाउटफुल होते हैं वो डाउट में ही उलझ के और खोके रह जाते हैं, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते. राइट, ए, व्हाट इज़ द सिल्वर टिंट द क्लाउड ऑफ डाउट. सिल्वर टिंट इज़ द फियर ऑफ फेलियर, द डाउट वेदर वी कैन ओवरकम अवर फेलियर और नॉट, वेदर वी वुड सक्सीड और नॉट. बी, हाउ कैन सक्सेस B, failure turned inside out. Success can be failure turned inside out. Sometimes when you feel that you are about to fail, if you just work an extra mile, if you give a little bit of your efforts and do not quit, then definitely you can turn the failure into a success. Right? So that is why they have said that success can be failure inside out. All right, use the words tint and doubt in sentences of your own. This is something you would be doing on your own. आपको tint और
डाउट, इन दोनों वर्ड्स को यूज करके वाक्य बनाने हैं, यानी यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. सो यू कैन मेक एनी सेंटेंस ऑफ योर चॉइस. दिस इज समथिंग विच यू वुड बी डूइंग ऑन योर ओन. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएट्री एंड यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड नेवर गिव अप एंड वी शुड नेवर क्विट. क्लियर? सो नाउ वी कम टू एन एंड टू टुडे सेशन. आई विल मीट यू अगेन with a new chapter of your class 8 book very soon. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.